बोलिए श्री किशोरी जी की जय हो, मिथिला धाम की जय हो, जनकपुर धाम की जय हो। जयकार और जोर से बोलिए, बोलिए श्री किशोरी जो की जय हो। मिलन सिया पिया मिलन पुष्पवाटिका प्रसंग, आज श्री किशोरी जी और सरकार जी का प्रथम मिलन है। वैसे हमारे श्री किशोरी जी के दर्शन के लिए कल मिथिला नगर में सरकार आए थे, जो कि पूरे मिथिला नगर में ऐसा मोहिनी मंत्र के जाल फेंक दिए कि पूरे मिथिला पुरवासी इनके पीछे पीछे दौड़ते ही रह गए। मिथिलानी सखिया फूलों की वर्षा की, तो मिथिलानी सखिया फूलों की वर्षा इसलिए की कि इतना फूलों की वर्षा करे, इतना फूलों की वर्षा करे कि फूलों की गलीचा बिछ जाए, ताकि सरकार के चरणों में मिथिला का कंकर न गिर जाए। मिथिलानी सखिया फूल इसलिए बरसाई कि सरकार जी से कहने लगी कि सरकार आज आप किशोरी जी के दर्शन करने के लिए आए हैं, हमारी किशोरी जी महल में है, हमारी किशोरी जी का दर्शन आज नहीं होगा। सरकार जी कहने लगे तो कहाँ होगा, मिथिलानी सखिया फूल वर्षाई और फूल से इशारा करती है कि सरकार यहाँ नहीं, आज नहीं, कल फुलवारी में किशोरी जी का दर्शन होगा। भगवान नाली के दरवाजे पर खड़े होकर के कहते हैं कि मालिन उठो, सवेरा हो चुका है, मलिनिया सोई हुई थी। जब मालिन के कानों में सरकार जी के शब्द जब सुनाई पड़ा, बेचारी जब जगी, आंख मिजते मिजते जब जगी, मालिन कहने लगी कि सरकार आज सुबह सुबह 4 बजे आप हमारे दरवाजे पर खड़े हैं, क्या कारण है, क्या बात है। सरकार जी से मालिन कहने लगी कि बाबू आज सुबह सुबह आप हमारे दरवाजे पर खड़े हैं, क्या कारण है। भगवान कहने लगे मालिन से, मालिन आज तुम्हें अलसी मोरिया रच करके देना है। मालिन कहने लगे कि सरकार कल के प्रसंग में आप देख चुके हैं कि हमारे श्री मिथिला बिहारी सरकार मिथिला नगर दर्शन करने के लिए गए, पूरे मिथिला पुरवासी भगवान के आगे पीछे लग गए। बालक वृंद देख अति शोभा लगे, संग लोचन मन लोभा लोभा, युवती भवन धरोहर लागी, निरकई राम रूप अनुरागी। भगवान मिथिला वासी के प्रेम में ऐसे बंध गए, ऐसे बंध गए कि निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, तो सहित स्नेह जाई दो भाई। ये प्रसंग आप कल देखे, विलंब हो गया था, विलंब होने के नाते से सरकार गुरु जी के डर के मारे दौड़े दौड़े गुरु जी के पास आए। जास उत्रास गर कहु गर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई, कही बातें मृद मधुर सुहाई, किए विदा बालक बड़ी आई। भगवान रात्रि में गुरुदेव जी के साथ ब्यारो प्रसाद के बाद विश्राम किए, विश्राम करने के बाद भगवान सुबह नित्य क्रिया कर्म करके गुरु जी के पास आकर के खड़े हुए और नहीं बनाया
उसके विषय में मैं जानती नहीं। सरकार कहने लगे कि मैं जैसे जैसे बताता हूँ उस प्रकार तुम्हें बता बनाना है। मालिन मोर बना रही है सरकार, बता रहे क्या क्या उस मोर में सीटिंग करना है, क्या क्या लगाना है। सरकार कहने लगे चंदन धूप दीप नई बेद सब ये सब सब है, लेकिन एक ही चीज नहीं है, सुगंधित पुष्प और तुलसी दल नहीं है। आप दोनों भाई जनक जी के बाग में जाए और फूल तुलसी दल लेकर के शीघ्र चले आए। जैसी आज्ञा हो गुरुदेव। सुपान ले आओ जाओ दोनों मैया, सुपान ले आओ। हे भैया तुम्हार हाँ ना, देखो यह बाग कितना सुंदर है। बहुत सुंदर है नाथ, लखन लखो इस बाग को सब जग में दुतिवंत। बांस करतिया में सदा मानव सुवग वसन, को मालिन इस बाग की अधिकारी मतिमान। गुरु पठाए बाग में सुमन लेन यही था। हे भैया इस बाग के माली हो या अथवा मलिनिया, सो मेरे पास आए। मैं सेवक इस बाग का अधिकारी मतिमान, क्या आज्ञा मुई होते कहिए राजकुमार। हे भैया हमें फूल और तुलसी दल चाहिए। बस इतनी सी बात? हाँ। फूल और तुलसी दल? हाँ महाराज। फूल से कोमल तो आपका बदन है, और आप कह रहे कि फूल और तुलसी दल अपने हाथ से उतारेंगे। हाँ भैया, हमारा दिल हम मालियों का दिल गवाह नहीं दे रहा है कि आप अपने कर कमल से फूल और तुलसी दल उतार लेंगे। आप तो मुझे अनुमति दे महाराज। हे भैया सुनो, ए हो महीपति माली सुनो, हम नीत कहे तुमते समझाई। तोरी प्रसून निजय करते पूजत है गुरुदेव सदाई। माली हमें कछु काज नहीं, गुरु पूजा करे हम दोनों भाई। आप कृपा कर देव बतावे सुगंधित पुष्प जो है के ठाई। हे भैया आप मुझे अनुमति दीजिए, हम अपने हाथ से सुगंधित फूल उतारेंगे। महाराज अनुमति देने वाले हम मालीगण नहीं है, हम तो अनुमति के पालन करने वाले। आज तो साक्षात जनकपुर के मेयर ही माली है। ए भैया इनके अनुमति से नहीं होगा। ए भैया अरे हम तो इनके छाया छत्र में रहने वाले हैं, इनके कार्यकर्ता स्वयं हमारे महाराज खड़े हैं। आए? और हमारे महाराज के असीम कृपा से इस बाग में एक तो माली नहीं है महाराज, इस बाग में 360 माली है, जिसमें एक माली मैं भी हूँ। आप कह रहे कि अपने करकमलों द्वारा ही फूल को उतारेंगे, तो सरकार सरकार ध्यान दीजिएगा, ये देख रहे हैं बाग? हाँ भैया। ये बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? सुनो भैया, श्री सिया मनोरंजन गिरजा जनाना बाग, सावधान पुरुषों को जाना मना है। बोलिए श्री किशोरी की। सरकार हाँ भैया, जनाना बाग है, इसमें पुरुषों को जाना मना है, आप कैसे जाएंगे? आप छोटे सरकार जना जनाना है कि जनानी है? हे भैया हाँ, हम न जनाना है न जनानी, हम अर्थाना है। क्या बात है, बड़े तेज है भाई। हम सोचे कि मिथिला के लपेट में पड़ जाएंगे, लेकिन पड़े नहीं। अरे नहीं, जनानी है न जनाना, हम मर्दाना है, बाग में जाएंगे। हाँ सरकार। हाँ भैया बहुत जरूरी है भैया, बहुत जरूरी। हाँ जो सरकार कुछ कहना चाहते हैं? हाँ भैया। क्या कोई उपाय बताओ?
अब तो ये सीता जी का बागीचा बाग है, अब ऐसा कीजिए सीता जी का वस्त्र जो है साड़ी इसको ग्रहण कर लीजिए, फिर चले जाइए। तालियां तालियां। हे भैया, हम राजकुमार रघुवंशी है, साड़ी नहीं पहनते, कोई दूसरा उपाय बताओ। दूसरा उपाय है सरकार, मिथिला में तो एक से एक उपाय है। ये हो रघुलाल कह के आपनो निहाल किनो, जाऊं बलिहारी प्यारी नवल चिन्हारी की। सरकार, हाँ भैया, ये लीजिए मनमाने फूल, रुचि के अनुकूल लाल, गेंदा गुलाब जूही झूठिका निवारी की, आग्रह किंतु एक नाथ। सरकार, हाँ भैया, आग्रह किंतु एक नाथ, बिलग न मानिए जू, रखिए मर्याद या विदेह फुलवारी की। समझ रहे ना? हाँ भैया। नारायण बाग में प्रवेश होने से पूर्व, नारायण बाग में प्रवेश होने से पूर्व और एक बार बोलिए जय जनक। हमारे किशोरी जी का जयकारा बोल दीजिए। हे भैया सुनो, बार बार कहती हो कि मिथिला कुमारी की जय बोलो, तुम सब मिथिलावासी मिलकर श्री अवध तारे की जय बोलो, मुनि का आशीष ब्रह्मचारी नहीं नारी की जय उचारेंगे, हाँ बोली मोल देकर खुश उतारेंगे। वाह, बोलिए श्री किशोरी जी की जय। अरे की बोली मोल दे करके, आपका बोली मोल बिकता है? हाँ भैया। तो सरकार यहाँ आपका बोली मोल नहीं बिकेगा, यहाँ तो हमारे श्री किशोरी जी की। बोलिए श्री किशोरी ज्योति, बोलिए श्री किशोरी ज्योति, किशोरी जी की ही जय बोलना पड़ेगा, जल्दी से सरकार जय बोल दीजिए। हे भैया सुनो, माली हो मिथिलेश जी की, जानिए चतुराई तुम है, हम रघुवंशी हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य को न छोड़, कोटि विघ्न क्यों न आवे, पास याचक जो आवे तो अवश्य दान तौलेंगे, बहुत सुंदर मन में विचार करो, हम रघुवंशी हैं, बाण कैसे छोड़ेंगे, हाँ श्री जनक लली जी की मन अली, तुम ही जय बोलो, हम नहीं जय बोलेंगे। इतना नहीं सरकार, इधर सुनिए। हाँ भैया। यदि आप अड़ जाएंगे तो सरकार हम मिथिलावासी भी अड़ जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सरकार, हाँ भैया, सुन रहे हैं? हाँ महाराज। हाँ भैया। आप कह रहे कि हम नहीं जय बोलेंगे। हाँ भैया। बोल गए इतना इधर उधर के बात, किंतु मतलब के बात अब तो बोलत शर्माते हो। आप कहते हैं कि हम रघुवंशी हैं, नारी की जय नहीं बोलते हैं, नारी के हाँ साड़ी नहीं पहनते हैं, तो रघुकुल की मर्यादा का इतना है ध्यान, तो फिर ये निमकुल के मर्यादा के बाहर क्यों जाते हो? सरकार, हाँ भैया, आप रघुवंशी तो हम भी निमिवंशी, हम लोग कौन है? निमिवंशी। निमकुल के मर्यादा के बाहर क्यों जाते हो? आए हो प्रभु प्रेम नगरी के माही, तो प्रेम के अधीन होए हाहा यहाँ खाओगे ये सुमन सुगंधित पुष्प। सरकार, हाँ भैया, ये देख रहे हैं लाल पीला नीला हरा गुलाबी, देख रहे हैं? हाँ भैया। ये सुमन सुगंधित पुष्प तब तक न लेन पाइयो जब तक हमारे श्री किशोरी जी की जय नहीं बोलोगे। जय तो बोलना ही पड़ेगा। हे भैया, जय बोलने के लिए सिखा दो। ये बात रही, बोलिए जुगल सरकार की, बोलिए बोलिए श्री श्री किशोरी किशोरी झुकी झुकी जय जय, बोलिए श्री किशोरी झुकी है नहीं देख तो। यूपी वाले से सावधान, एगो मलीबा छले रस्ते में रह गेले 11 टा जगने ल अखन एले, आओ आओ अहू के कोनो प्रश्न त सरकार से पूछ लिए। इनका प्रश्न पूछने का हिम्मत नहीं है, ये तो देख करके बिल्कुल विभोर हो गए। सरकार, हाँ भैया, आप कह रहे बोलिए श्री किशोरी जी की है, ये
यहाँ जितना देख रहे हैं, यहाँ जितना नजर में आ रहा है सरकार, यहाँ तो किशोरी जी की ही महिमा है। ये तो उनकी महिमा जिनकी महिमा है ना। सरकार जल्दी से बोल दीजिए, बोलिए श्री किशोरी जी की जय। सरकार आप भी बोल दीजिए, बोलिए श्री किशोरी जी की जय। अरे अब तो राम ने सिया की जय जयकार बोल दी। अब तो राम ने सिया की जय जयकार बोल दी। आए हैं सब कुछ देर का आनंद है, यहाँ से देखेंगे अच्छा रहेगा, वहाँ जाके हुआ करेंगे तो बंद हो जाएगी कार्यक्रम। सब किशोरी जी के आप लोग श्री का सरकार जी बाग में शरण लेने लगे। संपूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्व में से आग्रह करे मेयर साहब के पुनः आग्रह करे कालो उत्सव में आनंद लेव के लिए।